हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे एक और वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग अपना जो ग्लोबल आईडी है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं न्यू वर्जन में जो कि हम लोग का आने वाला है। और गाइस मैं बता दूं कि आप लोग इस वीडियो को जरूर से पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आप लोग कुछ बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इसको मिस कर देते हैं तो आपका जो ग्लोबल आईडी है वो हमेशा के लिए आप खो सकते हैं। तो इसलिए गाइस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं गाइस कि कैसे आप लोग आईडी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है पबजी अनबैन का जब से न्यूज़ आया तो सभी लोग यहाँ पर खुश हो चुके हैं। तो यहाँ पर गाइस एक बात कन्फर्म है, पबजी अनबैन जरूर होगा। लेकिन उसमें गाइस यहाँ पर बताया जा रहा है कि पबजी का एक इंडियन वर्जन आने का चांसेस है। मतलब अभी यहाँ पर 80% चांस है कि पबजी का एक इंडियन वर्जन आएगा, जिसकी पबजी के आर है जो कि कोरियन वर्जन के लिए है, मतलब कोरियन पीपल्स के लिए है। फिर पबजी वीएन वियतनामीज वर्जन, तो वो वियतनामीज पीपल्स के लिए है। तो वैसे अगर इस पबजी का एक इंडियन वर्जन आने का चांसेस है जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब सभी लोग बोल रहे हैं कि पबजी का इंडियन वर्जन आएगा। लेकिन गाइस यहाँ पे कुछ पर मतलब आप लोग बोल सकते हैं 20% चांस है कि जो हम लोग का अभी ग्लोबल वर्जन चल रहा है पबजी ग्लोबल जो हम लोग खेल पा रहे हैं वही वर्जन होगा। बस उसमें जो यहाँ पे मतलब माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगा उसको चलाने के लिए, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे टेंशन हट जाएगा और उसकी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगा। तो अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है, बट मुझे लगता है कि पबजी का एक इंडियन वर्जन आएगा जो कि हम लोग के लिए होगा, सिर्फ मतलब सिर्फ इंडियन पीपल्स के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे गाइस आप लोग का जो ग्लोबल आईडी है उसको आप लोग को इंडियन वर्जन में ओपन करना पड़ेगा। और इसके लिए गाइस आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, मतलब बोल लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको एक मंथ दिया जाएगा। अब ये मैं आपको मतलब बोल सकते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको सिर्फ मानने के लिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको एक मंथ दिया जाएगा। तो आपको वही एक मंथ के अंदर जो आपका ग्लोबल आईडी है जो कि आप लोग खेल रहे हैं, मतलब अभी बहुत सारे लोग का आईडी चल रहा है, बहुत सारे लोग का नहीं भी चल रहा है। और यहाँ पे गाइस कुछ लोग बोल रहे थे कि उनका जो सर्वर है, मतलब यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाके सर्वर चेंज कर देते, तो ये कोई टेंशन अब बात नहीं है। आप लोग रहते इंडिया में तो आपका जो आईडी है उसको आपको इंडियन वर्जन में ओपन करना पड़ेगा, मतलब ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, वो भी वो टाइम पीरियड के अंदर। मान लीजिए अगर एक मंथ दिया जाता है तो आप लोग को एक मंथ के अंदर ही एक बार जरूर, मतलब जो आपका आईडी है उसको उसमें ट्रांसफ़र कर लेना है। अगर नहीं करते तो आपका जो आईडी है वो हमेशा के लिए आप खो देंगे। मतलब अगर आप लोग वो टाइम पीरियड के अंदर अपना ग्लोबल आईडी मतलब इंडियन वर्जन में ओपन नहीं कर पाते हैं तो फिर गाइस आप लोग उसके बाद अपना जो आईडी है उसको आप लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गाइस जैसे हम लोग का इंडियन वर्जन आएगा तो जो ग्लोबल वर्जन है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और उसके बाद जो इंडियन वर्जन आएगा तो उसमें सब लोग खेलेंगे और उसमें आपको आईडी ट्रांसफर कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस जो हम लोग का वीएन वर्जन आया था, मतलब वियतनामीज वर्जन जो कि वियतनामीज पीपल्स के लिए आया था, तो वो गाइस लगभग एक साल पहले आया था। तो वो जब आया था तो यहाँ पे जो पीपल्स थे, मतलब वियतनाम के पीपल्स थे, वो लोग पबजी ग्लोबल खेलते थे। जैसे कि हम लोग अभी खेल रहे हैं पबजी ग्लोबल, तो वैसा वो लोग का पबजी ग्लोबल था। बट जब वियतनामीज वर्जन आया था तो उसके बाद वो लोग को कुछ टाइम दिया गया और बोला गया कि वो लोग जो आईडी है उसको वियतनामी वर्जन में ओपन कर ले। अब ट्रांसफ़र प्रोसेस कैसा होगा, मतलब ट्रांसफ़र कैसे करना है ये अभी कन्फर्म नहीं है। मतलब क्या, जब वियतनामी वर्जन आया था, मतलब वीएन वर्जन, तो उसमें वो लोग को बोला गया था कि वो लोग सिंपली अपना जो आईडी है ग्लोबल वर्जन वाला उसको सिंपली इसमें लॉगिन करना है और वो लोग का आईडी ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट अगर इंडियन वर्जन आता है तो कुछ और प्रोसेस भी हो सकता है, तो इसलिए चैनल पे एक्टिव रहिएगा। अगर ऐसा कुछ होता है गाइस तो मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि कैसे आप लोग को आईडी को ट्रांसफ़र करना है। तो इसलिए गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे गाइस आप लोग को सिंपली जो मतलब अगर इंडियन वर्जन आता है तो यहाँ पे एक बार तो कन्फर्म पबजी अनबैन होगा, और यहाँ पे गाइस लगभग चांसेस है कि दिवाली से पहले हम लोग को इंडियन वर्जन देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं गाइस कब तक मिलता है, मतलब एक बार कन्फर्म हम लोग को लगभग 15 से 20 दिन के अंदर पबजी अनबैन हो जाएगा और हम लोग को इंडियन वर्जन देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है गाइस तो आप आराम से हम लोग पबजी का मजा ले सकते हैं और अपना ग्लोबल आईडी जो है उसको आप लोग ओपन कर सकते हैं। और गाइस जो हम लोग का ये जो मतलब अपडेट आने वाला है कल 1.1 का, अगर आप लोग जानना है कि कैसे आप लोग वो अपडेट कर सकते हैं तो कल सुबह मैं आप लोग को वीडियो बनाकर बता दूंगा, तो चैनल पर एक्टिव रहिएगा। तो गाइस जितना मेरे इस वीडियो में बताना था कैसे आप लोग आईडी को ट्रांसफर कर सकते हैं और ये बताना था, वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, एंड अपने दोस्तों लोगों को यह न्यूज़ के बारे में बताने के लिए मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।